गुड मॉर्निंग एवरीवन, और एक नया व्लॉग लेके आप लोगों के सामने फिर से मैं हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ टिया। और सुबह सुबह क्या बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में, वही आप लोगों से शेयर करनी है। यह है ओट्स की चीला। कुछ लोगों ने कहा था कि ओट्स की चीला रेसिपी शेयर करने के लिए, तो जैसे मैं बनाती हूँ मैंने वैसे ही शेयर किया। ये इंस्टेंट ओट्स मैंने लिया है, उसको बाइंड करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सूजी ऐड किया है और घर का बनाया हुआ दही यूज़ किया है। और घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल रहता है मैं उसी से बनाती हूँ। स्पेशली कैरेट तो रहता ही है, आज कैप्सिकम भी था और मिर्ची भी, हरी मिर्ची मैंने डाली है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो और भी दूसरा कुछ आप ऐड कर सकते हो, बट अभी मेरे पास इतना ही सब्ज़ी अवेलेबल था, वही मैंने ऐड किया है। प्याज आप दे सकते हो, मैं यहाँ पे प्याज ऐड नहीं करती हूँ, मतलब मायके में ऐड नहीं करती हूँ। मैं जब ससुराल में ये बनाती हूँ तो ऑब्वियसली मैं प्याज ऐड करती हूँ, अच्छा लगता है। बस दैट्स इट, ये हो गया है अच्छे से। पहले मैंने दही दे के ओट्स एंड जो सूजी है उसको थोड़ा सा मैरिनेट करके पहले रख दिया था, क्योंकि सूजी थोड़ा फूलता है इसीलिए। उसके बाद जब बैटर रेडी हो गया तब मैंने देखा कि कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो पानी है ना यहाँ पे ऐड कर दिया था। अगर आप चाहो तो आप बिना पानी ऐड के आपका आपको जो भी जैसा चाहिए कंसिस्टेंसी, आप वैसे कंसिस्टेंसी में आप बना सकते हो। दैट्स इट, हो गया है रेडी। और एक सिर्फ तवा गरम करना है, उसमें मैंने घी थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है, ये घर में बनाया हुआ घी है। और उसके ऊपर हम लोगों को एक चीला शेप के एक बैटर जो है ना, बैटर को स्प्रेड करना है। आप जितना परफेक्ट हो सके आप करो, तो मैंने कोशिश किया है परफेक्ट राउंड बनाने की। तो ये होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओट्स हो जाता है बट सूजी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको लो हीट में इसको पकाना पड़ेगा, और ये जब अच्छे से पक जाएगा ना तो आसानी से पलट जाएगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और जब तक ये चीला होता रहेगा ना तब तक मैं बाकी का जो भी सामान मैंने इधर उधर किया है वो सब समेट लूँगी, और ब्रेकफास्ट के भी जो भी बर्तन है, मतलब मम्मी पापा ने जो ब्रेकफास्ट किया उसका जो बर्तन है वो भी सब मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि चीला होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दो चीला बनाऊंगी मैं अपने लिए, तो एक चीला बन के तैयार है और उस बीच में मैंने फ्रूट्स भी काट लिया है, और ये सेकंड चीला जा रहा है तवे पे। और मैं ब्रेकफास्ट करने से पहले लास्ट ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है कि मैं गाय को खाना खिलाती हूँ, और बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब सुबह से बारिश चल रहा था और कंटिन्यू चल ही रहा था। तो जब तक वो चीला होता रहेगा तब तक मेरा ये जो काम है ना वो मैं कर के आ जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, मैं कभी नहीं दिखाती हूँ ये सब, और पहली बार सोचा कि आप लोगों के साथ भी लेके जाओ, तो छतरी, कैमरा और खाना लेके मैं गई हूँ। तो पहले ये जो काफ है ना इसको दे देते हैं,
और इसका फैमिली है, इसका मम्मी पापा सब लोग हैं, तो मैं सभी को देती हूँ। और तो ये लोग मेरे वेट मेरा वेट करता है, जब भी मैं गेट खोलती हूँ ना, सब पीछे मुड़ के देखता रहता है कि कब मैं आऊँगा इन लोग खाना खिलाने। और इन लोगों को मैंने देखा कि इनको वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको ज़्यादा मैं अगर रोटी देती हूँ घर में, गेहूँ का रोटी देती हूँ या फिर और कुछ रोटी देती हूँ, बाहर से ब्रेड ला के देती हूँ, तो अच्छा लगता है इन लोगों को। और ये देखिए, ये मेरे तरफ देख रहा है कि कब मेरा वाला खाना जो है ना वो आएगा। तो पहले बच्चे को खिला देते हैं, तो उसके बाद मैं जाऊंगी। ये है पापा और वो है मम्मा। तो पापा को मैं सोचती थी पहले कि ये मतलब मम्मा है, और मम्मा को सोचती थी मैं वो पापा है, बट फिर पता चला कि नहीं। और मम्मा को देख के मुझे बहुत डर लगता है, और मैं एनिमल से बहुत डरती हूँ, कोई भी एनिमल हो बहुत डरती हूँ। और ये मम्मा मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव लगता है, तो इसीलिए मैं दूर से देने की कोशिश करती हूँ। सब लोग बोलते हैं जैसे हाथों से खिलाना अच्छा होता है, मैं कोशिश करती हूँ बट अभी तक मुझसे नहीं हो पाया। मैं कभी कभार दे देती हूँ, कभी कभार नहीं होता है। आई नो कुछ नहीं करेगा, ऑब्वियसली कुछ नहीं करेगा, बट ये मेरा मन का डर है, तो धीरे धीरे ही शायद चला जाएगा। तो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, सोक्ड आमंड, सोक्ड रेजिन्स, एप्पल कट कर लिया है, और यहाँ पे है दो चीला। और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है ना वो एंजॉय करूँगी। तो हर रोज़ क्या होता है कि मैं पहले बिस्तर सेट करती हूँ उठने के बाद, उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। बट आज बहुत भूख लग गई थी, तो इसलिए मैं पहले गई थी, नहीं मुझे आज ब्रेकफास्ट पहले करनी है, उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने बिस्तर वगैरह सब कुछ सेट किया, और घर तो डीप क्लीन किया ही है, बट जो भी है जितना भी आप डीप क्लीन करो, 3-4 दिन अगर आप घर में डस्टिंग ना करो ना, तो फिर से धूल जम जाता है। तो मैंने देखा कि फर्नीचर में ना थोड़ा बहुत धूल जो है वो हो रहा था, तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ ये क्लीन कर देते हैं तो फिर अच्छा रहेगा। वरना मम्मी पापा अभी तो एक एक घर को क्लीन करने में बिजी है, दुर्गा पूजा से पहले इन लोगों का काम चलता ही रहता है। आज है 4 तारीख और आज भी पापा ने लास्ट जो दुर्गा पूजा क्लीनिंग का काम है ना, पापा मम्मी ने किया है, और आज के बाद और नहीं होगा। हमारे यहाँ पे महालया से पहले ही किया जाता है, महालया के बाद थोड़ा बहुत जो वॉश वगैरह है वो सब किया जाता है, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे सारा जो फर्नीचर है इस रूम का ही मैंने सिर्फ किया, क्योंकि बाकी का रूम 1-2 दिन पहले ही क्लीन किया था, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं था। ये रूम मेरे रूम जो है ना, वहाँ पे थोड़ा दिन पहले क्लीनिंग हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा सा धूल जम गया था, तो इसलिए मैंने फटाफट सब चीज़ को अच्छे से साफ कर दिया है। Thank you.
तो घर क्लीन करने के बाद मैंने झाड़ू भी लगा लिया है, क्योंकि पोछा मम्मी सुबह लगाती है, झाड़ू पोछा सुबह लगाती है, बट दोपहर को फिर भी मैं एक बार झाड़ू लगाती हूँ तो अच्छे से क्लीन रहता है। और यहाँ पे मैं के देख रही हूँ कि मम्मी लंच पे क्या बना रही है। ये है लाउ, डाटा दिए, बोड़ी दिए, गाजर सब्जी, একটা সবজি, এক ধরনের সবজি, ডাল, বেগুন ভাজা মা বাবার জন্য, আর এখানে ইয়াহ পে চাওয়াল হো রা হ্যায়, আর ইয়াহ পে হ্যায় আলু গোবি কি সবজি, আর ইয়ে সাল কা পহলা আলু গোবি কা সবজি হামারে ঘর মে পক রাহা হ্যায়। দেখনে মে ঠিকঠাক লাগ রাহা হ্যায়, ক্যুঁকি খানে মে না অভি গোবি উতনা জ্যাদা আচ্ছা নাহি লাগতা হ্যায়, গোবি কা সিজন অভি আনে ওয়ালা হ্যায়। তো यहाँ पे मम्मी लंच का प्रिपरेशन जो है ऑलमोस्ट मम्मी का हो गया है, बाकी का साफ सफाई का काम मम्मी कर रहा है। तो अभी मैं बैठूंगी थोड़ा सा एडिटिंग लेके, और थोड़ी जो भी थोड़ा मेरा छोटा मोटा काम है वो अभी निपटाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे यही मेरा काम रहता है, और उसके बाद सीधा जाऊंगी मैं नहाने। तो नहाने से आने के बाद हम लोग सीधा बैठ गए हैं लंच करने के लिए। तो आज सिंपल सा वेजीज 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 लंच है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वेज खाना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है कुछ ऐसा ही जाता है सिंपल सा मायके में। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए, और खुद का ध्यान रखिए। बाय बाय।